यूनिटेक ग्रुप ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि कंपनी पर पूरा हक अब केंद्र सरकार का होगा। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार को कंपनी की बागडोर संभालने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर की याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को तगड़ा झटका दिया था। शुक्रवार को ट्रिब्यूनल ने सरकार को कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी के 10 निदेशकों की नियुक्ति करने की अनुमति दे दी थी। हम आपको बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी का कंट्रोल सरकार के हाथों में दे दिया है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी के 8 डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया, साथ ही सरकार को अपने 10 डायरेक्टर अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी। ट्रिब्यूनल ने कंपनी मामलों के मंत्रालय से 20 दिसंबर तक डायरेक्टर के नाम मांगे हैं। उसी दिन अगली सुनवाई होगी। कंपनी के 70 प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं, इसमें ज्यादातर गुरुग्राम में है। ये 2008 में शुरू हुए थे, डिलीवरी दिसंबर 2011 से होनी थी। पोजेशन नहीं देने पर कोर्ट ने 2014 में 3 डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। यूनिटेक ने घर खरीदारों से 7,800 करोड़ रुपए ले रखे हैं। 4,688 खरीदारों ने पैसे वापस मांगे हैं। ये रकम 1,865 करोड़ रुपए होती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं करवाना चाहते, इससे घर खरीदने वाले 20,000 लोगों को परेशानी होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई नाटकीय अंदाज में हुई। सुबह सुनवाई के समय यूनिटेक के वकील नदारद थे। सरकारी वकील ने कहा कि याचिका की कॉपी यूनिटेक को भेजी गई थी, लेकिन कंपनी ने कॉपी ले जाने वाले अधिकारी को ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया। तब कंपनी के वकील पहुंचे, उन्होंने ट्रिब्यूनल से आदेश स्थगित करने का आग्रह किया, पर ट्रिब्यूनल नहीं माना। यूनिटेक के MD संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा जेल में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्हें अप्रैल में गिरफ्तार किया था। 30 अक्टूबर को इनकी जमानत याचिका खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर तक 750 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। जनवरी 2016 में भी 2 खरीदारों की शिकायत पर यूनिटेक चेयरमैन रमेश चंद्रा, संजय और अजय को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक दिन बाद ही जमानत मिल गई थी।